पराह वैयाकरण कहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पश्यंती में सब कुछ संभव है, स्वयं से स्वयं को पश्यंती देख लेंगे, कितना सामर्थ्य उसके पास है आपकी बात, स्वयं से स्वयं को देख रहे हैं, खंडन करेंगे देखिए कैसे। आत्मानं आत्मना हंति देवदत्तो यथा तथा भविष्यत्यत्र तत्रास्य स्वांगैरेव विभागिता हस्तादेकरणत्वं हि मस्तकादेश्च कर्मता कर्ता मनस्वावयवी नामूर्ताया इदं पुनः। कदे आत्मानं आत्मना हंति देवदत्तो यथा पराः, परम ने वैयाकरण, वैयाकरण कहते हैं, दृष्टांत देकर समझा रहे हो, जिस प्रकार से देवदत्त जो है अपने से अपने को ही पीट लिया। आत्मना आत्मानं हंति देवदत्त, देवदत्त रूपा कर्ता ने अपने आप को कर्म बना करके अपने को ही साधन बनाकर अपने को ही पीट लिया, ये व्यवहार होता। उसे पश्यंती ने अपने से ही इस जगत को बनाकर अपने आप को जगत रूप में बनाकर अपने से अपने आप को जगत रूप बनाकर अपने को ही वो देख रही है, यूं व्यवहार कर लो। कहते हैं नहीं, जो दृष्टांत आपने दिया लेकिन उसके अनुसार तो फिर इसको भी सावय मानना पड़ेगा। दृष्टांत में क्या होगा, भविष्य तथा भविष्य अत्र, यहां तक पूर्व पक्ष में तथा भविष्यति अत्र, ठीक उसी प्रकार पश्यंती में सब कुछ हो जाए। तब सिद्धांती शिवयोगी ने कहा तत्रास स्वांगैरेव विभागिता, अरे दृष्टांत में तो उस देवदत्त में अपने अंगों के द्वारा विभागिता तो है ही, मने देवदत्त ने अपने हाथ से अपने खोपड़ी को पीट लिया, है ना। तो क्या हुआ, देवदत्त अपना कर्ता अलग, उसके अपना ही हाथ था साधन, साधन करण क्या अपना हाथ, और जिसको पिटा किसको मस्तिष्क पर, तो उसका कर्म हो गया। तो कर्ता कर्म करण तीन अवयव रूपेण एक में ही आप जो है सावयव में देख रहे हो ना, सावयव पदार्थ में संभव है, इन पश्यंती तो सावयव नहीं है, उसमें कैसे घटेगा आत्मना आत्मना। वही कह रहे हैं कि तत्र अस्य स्वांगैरेव विभागिता, वहां तो इस देवदत्त के अंदर स्वांग अपनी अंगों के द्वारा विभागिता है। क्या विभाग है, स्वयं समझा रहे, हस्तादि करणत्म, हाथ आदि क्या है करण है, मस्तक आदि कर्म है, और कर्ता कौन मन, मन रूपी स्व मने आत्मा, मन रूपी मन से युक्त जो आत्मा अंतकरण आवचिन चैतन्य, वही यहां पर वही भी बन के ग्रहण कर रहा है। क्योंकि संपूर्ण पर अभिमान कौन करेगा, मैं करके हाथ खोपड़ी सब पे आप अवयवी बन रहे हैं, मन युक्त आत्मा ही यहाँ अवयवी है और उसके सब अवयव बन गए, इन अवयवों को लेकर परस्पर व्यवहार कर लेता है, मैं अपने से अपने आप को पीट लिया, मैं अपने से अपने आप को जला लिया, इत्यादि व्यवहार हो जाता है। यानी जहां अवयव अवयवी भाव है वहां तो यह संभव है, लेकिन ना मूर्ताया इदम पुनः, आपकी पश्यंती कैसी है, अमूर्ता है, अमूर्त मने अवयव रहित है, मूर्तों में ही अवयव होता है, अमूर्त मने अनिरवयव, उस निरवयव पश्यंती में इदम एतादृश व्यवहार न पुनः, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए हम वेदांत में जैसे श्लोक आते हैं, मंत्र आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उपाधियों को लेंगे, आत्मना आत्मन में क्या है, औपाधि वस्तुओं को लेंगे, आत्मन में शुद्ध बुद्धि के द्वारा आत्मनिश्चिताभास को आत्मरूपेण अनुभव लिया, कूटस्थ रूपेण अनुभव कर लिया, और कोई रास्ता ही नहीं है। यदि मान लो उपाधि, हम कोई झंझट ही खत्म हो जाता है, आगे कहेंगे फिर तो आप और बराबर हो गए बोलेंगे, वेदांत में तो उपाधि के भेद है, बुद्धि आदि उपाधि है ना आपके पास, भले आत्मनिरवय है, इसलिए आत्मना शब्द जो प्रयोग हो रहा है बुद्धि रूपी उपाधि के लिए, आत्मन शब्द प्रयोग हो रहा है चिदाभास रूपी उपाधि के लिए, मैंने बुद्धि से चिदाभास को अनुभव कर लिया, कूटस्थ रूप आत्मरूप अनुभव कर लिया, कूटस्थ रूप अनुभव कर लिया, ये वार शब्द यहाँ कहाँ कह रहे हैं वेदांति, ये अपने वैयाकरण, क्योंकि यहाँ तो स्वयं शब्द ही सब बन रहा है ना, पश्यंती खुद देख रही है,
उपाधि नहीं, पश्यंती उसका नाम इसलिए पड़ा, खुद अपने आप को देख रही है, स्वयं इस रूप से हो गई, पश्यंती मध्यमा हुई, मध्यमा ही वाक होगी, वाक ही जगत बना, अर्थात पश्यंती तो जगत बन गया। उपाधि कहाँ है वहाँ? वहाँ तो माया है ना, वहाँ माया है। और यहाँ इन्होंने अविद्या कहा भी, जिस प्रकार की अविद्या मान रहे हो तो फंस गए, इसे वो भी सिद्ध नहीं हो पाए इनकी अविद्या भी। इन्होंने भी अविद्या लाने की कोशिश तो की, लेकिन जहाँ अविद्या का लक्षण वगैरह पूछा वहाँ फंस गई है कि सत्यता माननी पड़ेगी इनको। यदि असत्य मान लेंगे तो अविद्या से जगत, फिर जगत को असत्य कहना पड़ेगा, लेकिन जगत को असत्य मानने को तैयार नहीं है। शब्दात्मक सारा जगत है, सब कुछ सत्य है, सब कुछ नित्य है, फंसे ना वहां पर, इसलिए अविद्या माया को ला नहीं पा रहे। तो सोपाधि का व्यवहार कैसे करोगे आप? इसलिए सब बात कहनी पड़ रही है। देवदत्त आत्म यथा, टीका, देवदत्त आत्म यथा, देवदत्त रूपा शरीर में यथा कर्मादि भेद, कर्म कर्ण अधिकरण आदि भेद है, तथा त्रस्यात, उसी प्रकार याद हो जाएगा कहाँ? पशंती में। इत्येतन न, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? देवदत्त से मूर्तत्व न वितताकार से, देवदत्त मूर्त है, हाथ पैर लंबा चौड़ा जो है, ढाई गज लंबा चौड़ा आदमी है ये, तो डेढ़ गज है, ढाई गज है, दो गज है, जितना भी है, जितना भी फुट का आदमी, फुटों में गिन लो, पांच फुट छह फुट जितना भी लंबा चौड़ा आदमी है। स्वांग ही नहीं, वो ये भी लंबाई चौड़ाई स्वांगों के द्वारा, हाथ पैर आदि के वजह से। बहुविद उपगृहित आत्म शब्दाभिदायक विभाग, इस तरह के बहुविद, बहुत स्वांगों के द्वारा गृहित आत्म शब्दाभिदायक, देख रहे हैं आप, ठीक है, स्पष्ट करें, सभी को आप आत्मशब्द से कह दे रहे, हाथ को भी आत्मना कह दिया, बुद्धि को भी आत्मना कह दो, आत्मान कह दो, खोपड़ी को, भले आप आत्मशब्द सब जगह प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य मेरे ही अवयव होने से, मैं अपने अवयवों को मेरे से अलग ना देखते हुए, मेरे लिए जो मैं प्रयोग कर रहा था शब्द, वही शब्द इनके लिए प्रयोग कर दिया। समझ में आई रही बात? मैं अपने लिए आत्मा बोलता हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरे जो अवयव हैं, इन अवयवों को मैं अपने आप को अभेद कर लिया, इन अवयवों को भी आत्म शब्द से बोलने लगा। लेकिन बोलते हुए भी सबको प्रतिमा तो नहीं बोलूंगा, जो जैसा साधन है, जो कर्म है, मैं साधन है तो तृतीया बोलूंगा आत्मा शब्द का, कहीं द्वितीया बोलूंगा, कहीं सप्तमी बोलूंगा, आत्मना आत्मानम आत्मनी, ऐसे विभक्तियों का प्रयोग कर लूंगा। इतना ही कि अवयवी आत्मा है, उस अवयवी को अवयव के साथ अभेद करते हुए इन सबको भी हम आत्म शब्द प्रयोग कर लेंगे। जैसे चिदाभास चैतन्य आया बुद्धि में, इसे बुद्धि को भी आत्मा कह दिया। सारा जगत भी चैतन्य में कल्पित है, हम लोग कहते घटावचन चेतन बोलते कि नहीं बोलते, हर चीज को चेतन कह रहे, इसलिए घट को आत्मा कह लो, क्या दिक्कत है उस चैतन्य की वजह से। लेकिन वास्तविक आत्मा तो उसके अंदर नहीं आ सकता, जड़ तो जड़ ही रहेगा। इन्हें अंतर ये दिखा रहे, देखो, बहुबीर उपगृहित आत्म शब्द विधायक है, उपगृहित आत्म शब्द को कथन के द्वारा विभाग विभाग कर रहे हैं आप केवल, तथा ही जैसे हस्तस्य अन्यस्य व अवयवस्य शस्त्रादि युज करणता, हाथ यानी कोई इस तरह का अवयव जिसमें आप साधन ग्रहण करके व्यवहार कर रहे हो, उसमें आप करणता का व्यवहार कर दिया और आत्मना कह दी। मस्तकस्य हृदयादेरवा हन्यमानस्य कर्मता, मस्तक को या हृदय आदि छाती आदि को जिस पर आप पीट रहे अपने हाथ को, उनमें कर्म मान लिया, उसमें कर्मता आ गई। कर्ता, कर्ता कौन बना? मनोयुक्त स्व आत्मा, मन से युक्त स्व कोई, मैंने आत्मा को आपने कर्ता कह दिया। एव इस प्रकार से हस्ताय संबद्ध हो अवयवी युक्त हो, इसलिए हस्ताय संबंधित अवयवी को आपने मुख्य रूप में कर्ता ले लिया और इन सब को अवयवादियों को करण आदि व्यवहार कर लिया। यत एव तावती आत्मभाव, जिसलिए कि इन सभी में इस प्रकार से आप आत्मभाव का व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन पश्यंत्या पुनः चिन्मात्रपत्विन अमूर्ताया, लेकिन पश्यंती कैसी है? वो तो चैतन्य मात्र है, वो तो अमूर्ता है, उसमें अवयव हो नहीं सकते,
वही तथ्य भावात। इसकी लंबाई चौड़ी नहीं हो सकती 5 फुट 6 फुट 10 फुट 100 फुट लाख फुट का, ऐसे कोई नाप न हो नहीं हो सकता इस चीज की। और न अवयवापेक्षा, और अवयवों की अपेक्षा भी नहीं है यहाँ। ऐसा अयम व्यवहार न पुनरित्यासन वे, इसलिए ये जो व्यवहार है आत्मन आत्मनिमित प्रकार का व्यवहार भी आप पश्यंती में नहीं कर सकते। तथा तस्या एव भागे करणादित्वेन जड़ता पत्रेव, और फिर भी कहोगे नहीं भाई मैं अवय भी मान लूंगा पश्यंती में, यदि आप पश्यंती का भी अवय मानने लग जाओगे फिर तो पश्यंती को जड़ कहना पड़ेगा, मूर्त कहना पड़ जाएगा, ये आपत्ति हो जाएगी। इसमें भी इसे जो पूर्व जो श्लोक हुआ था 52वें श्लोक में कहा था, अतः आत्मना सा स्वात्मान पश्यंती निर्विभागश, ये जो कहा था निर्विभाग होते हुए भी वह अपने से अपने आप को देख सकती इत्यादि जो व्यवहार की कहा था उसने, उसे भी आत्मना का विशेषण अलग से खंडन कर लिया। तदेव अथ आत्मना सा स्वात्मान इत्यत्र आत्मना इति भागे, एक नंबर टिप्पण भागे पारतंत्र्या जड़ता उपाद्य आत्मनमिति वर्तुल कर्म भागम अपि विकल्पयति। आत्मना इस भाग में जो पारतंत्रता है, पारतंत्र क्या है, वो जड़ हो जाएगी, अवय मानना पड़ेगा, उसे जड़ता आ जाएगी इति उपाधि। ये बात अभी 53-54 में समझा दिया। अब रहा आत्मानम, उस श्लोक में जो आत्मनाम थी उसकी भी व्याख्या करेंगे। कद आत्मानम इति निजमेव स्वरूपम कर्म रूप शक्ति मात्र स्थितम पश्यन्ति कर्तृप शक्ति स्थिता पश्यति येन दर्शन क्रियार्थस्य घटते। अब रही आत्मानम की बात, आपके कहना पड़े आत्मनम इति निजमेव स्वरूपम, पश्यन्ति ने अपने आप को देखा, ये व्यवहार करोगे आप, क्यों देखना रूपी क्रिया को बचाए रखना चाहते हो नाम के वजह से, पश्यन्ति की वजह से, वो यह कारण है ना, धातु अर्थ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप नामकरण कर दिए पश्यन्ति, पश्यन्ति देखना, देखना कोई कर्म चाहिए, किसको देखी हो पश्यन्ति ने, तो अब अपने आप को देख रही, कहते ठीक है भाई पश्यन्ति अपने आप को देखती है, क्या आपने कहा, तो अपने आप को का मतलब क्या बताओ, क्या है उसका निजी स्वरूप जिसको आप देख सकती खुद, आत्मा से क्या अर्थ लोगे आप, जो वह जड़ रूप जगत हो रखी है इसको देखती है कहना चाहते हो, दृष्ट को देखना या अदृष्ट को देखना, न देखे हुए को देख रही, क्या पश्यन्ति ने आज तक अपने स्वरूप को नहीं देखी थी और आप देख रही है वो, या देखे हुए को फिर देख रही है, क्या कहना चाहते, ये विकल्प उठा करके खंडन करना चाहते हैं। इसलिए कहते देखो स्वरूप को कर्म रूप शक्ति मात्र है ना, अपने निज स्वरूप को क्या मान रहे हैं आप, कर्म रूपा शक्ति पश्यन्ति का, और कर्तृप शक्ति स्थिता पश्यति, कर्तृपा शक्ति भी एक अलग माना, एक कर्म शक्ति निज स्वरूप और एक कर्तृशक्ति का निज स्वरूप, दोनों को लेकर के दर्शन क्रिया कर्तृत्व आप घटाना का चाह रहे हैं। अत्र पश्यन्त्या इति देहली दीपन्यायेन उभयत्रापि युज्यम, इसे पश्यन्त्या ये जो तृतीयांत आप देख रहे हैं श्लोक में उसको देहली दीपन्याय से आगे पीछे दोनों तरफ घटाना पड़ता है, कैसे स्वयं विचार है, तथा पश्यन्त्या दर्शन दृष्टता तत् कर्मिका इत्यर्थः, द्वितीय पुनः पश्यन्त्या दर्शन पश्यन्ति कर्तृकम् इत्यर्थः, पश्यन्ति के द्वारा जो दर्शनात्मक क्रिया हुई है वह क्रिया दृष्ट कर्म का हुई है, और वह पश्यन्ति स्वयं उस दर्शन क्रिया में कर्ता बनकर कर रही है, ये प्रश्न है, उसको श्लोक में आप देखिए, पश्यन्ति दृष्टमात्मानम् दृष्टम वा अदृष्टाता कथम पश्यन्त्या दर्शनं दृष्टे न च वाहि उपपद्यते। यहाँ जो पश्यन्त्या शब्द है ना, इसको दोनों तरफ अन्वय करना पड़ता है, बीच में है ये। पहले पहला उत्तर आपको देखिए, आत्मानं पूर्वार्ध, आत्मानं पश्यन्ति अदृष्टं दृष्टं वा पश्यति, ऐसा क्रिया पश्यति अध्याय करना पड़ेगा। आत्मानं पश्यन्ति अपने को पश्यन्ति देख रही है, आप कहते हो अपने को देख रही है पश्यन्ति, किस रूप में देख रही है, अपने अदृष्ट रूप को देख रही है या अपना ही दृष्ट रूप को देख रही है, अदृष्टता कथम, यदि पश्यन्ति स्वप्रकाश स्वयं ज्योति भी आपने कहा है ना, आपने स्वप्रकाश कहा स्वयं ज्योति कहा है पश्यन्ति, यदि स्वयं ज्योति है स्वयं प्रकाश है फिर खुद अदृष्ट कैसे रह गया उसको आज तक,
यदि अदृष्ट है फिर तो स्वयं प्रकाश नहीं, जड़ हो जाएगा। यदि स्वयं प्रकाश है आज तक वो अदृष्ट कैसे रह गया? इसलिए अदृष्टता तो नहीं हो सकता। फिर कोई दृष्ट को ही देखा तो दृष्ट को ही प्रकाशन किया, फिर तो अनवस्था दोष हो जाएगा। देखिए को बार बार प्रकाशन करने की जरूरत पड़ जाए तो दोनों तरह से आप फंसेंगे। निज रूप से दोनों में टिप्पणी यहां पर, निज रूप से व कर्म शक्ति रूपत्वात् अदृष्टता दर्शन क्रिया राहित्यम अप्रकाशत्वम कथम इत्यर्थ। यदि आप उसको अदृष्ट मान लोगे समस्या ही होगी। यदि निज रूप है उसको एक कर्म शक्ति माना आपने और वो अदृष्ट दी है दर्शन क्रिया में, फिर तो अप्रकाश मानना पड़ेगा। अप्रकाश मानने को जब जड़ता आ जाएगी दर्शन क्रिया, इसलिए अदृष्ट अपने रूप को देखती है ये आप नहीं कह सकते। आपको कहना पड़ेगा दृष्ट को देख। ऐसे कहोगे पश्यंता दृष्टे दर्शन, दृष्ट विषय दर्शन किया न चवाय उपपद्यते, यह उपपन्न हो नहीं सकता क्योंकि अनवस्था दोष से ग्रस्त हो जाओ। कैसे वर्णन आएगा देखिए, ठीक है। आत्मानं च पश्यन्ति किम अदृष्ट पूर्वं पश्यति अतः दृष्टम्। अपने को देखती हुई यह पश्यन्ति क्या पहले न देखा हुआ को देख रही है या देखे हुए को भी देख रही है? तद्वयमपि न युक्तम्, ये दोनों ही पक्ष युक्त नहीं। यतः पश्यन्त्याः प्रकाश रूपाया, क्योंकि पश्यन्ति कैसी है? प्रकाश रूप आपने कहा है स्वयं ज्योति रूपा है, फिर उसमें अदृष्टत्वम मतलब प्रकाशता नहीं, वो फिर वो नहीं देखी न प्रकाशित की, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? इसलिए वेदांति बार बार कहता है ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपके द्वारा प्रकाशित ही नहीं है। ऐसी कोई वृत्ति नहीं, कोई विषय नहीं, किसी भी रूप से किसी भी अवस्था में जो आपके द्वारा प्रकाशित नहीं हुआ। हर चीज आपसे प्रकाशित क्योंकि आप सब प्रकाश यमेव भान्तम अनुभाति स्वरूप तस्य भासा स्वरूप इदम विभाग, क्योंकि उसके भासने पर ही अनिभाषित होते हैं, उसके प्रकाश से सारे प्रकाशित हो। इसे उससे अप्रकाशित कोई चीज रहेगा ही नहीं कभी, क्योंकि नित्य प्रकाश रूपा है, स्वयं ज्योति रूपा है। आपने इसलिए पश्यन्ति को ही उस आत्मा के बराबरी लाने के लिए आपने क्या कर दिया था? स्वयं ज्योति कह दिया, लेकिन उसको क्रिया दर्शन क्रिया करने वाली कहकर आप फंस रहे हैं। क्रिया होती है दर्शन क्रिया, पर हम कर्म पूछा, कर्म पूछा आपने खुद को, और खुद को न देखा वो को देख रही है, मैंने उसके स्व प्रकाश तो भंग हो गया। इतना ही नहीं, दृष्टे चात्मनि न पुनः क्रिया प्रवृत्ति युक्त, और ये पहले से प्रकाशित है उस आत्मा के विषय में पुनः दर्शन क्रिया की प्रवृत्ति क्यों होगी? प्रकाशित है, प्रकाशित का प्रकाशन क्या करोगे? पिष्ट पेशन जैसा हो जाएगा। यहां पर देखिए एक दो तीन टिप्पण है, एक प्रकाशित है दृष्टि मैंने प्रकाशित, और इस श्लोक में चौर वा जो है ना अनुक्त का समुच्चय करने के लिए, जो श्लोक में सीधे शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं क्यों कहने लगते तो और चार श्लोक बढ़ जाता, उन सारे रहस्य को चौर वाक्य द्वारा छिपा दिया। ये टीकाकार क्या छिपाया चौ से और क्या छिपाया है वा से, वो स्वयं टीकाकार बताएंगे। और दृष्टि के ऊपर दोबारा टिप्पणी है, नहीं दो नंबर टिप्पणी है अदृष्टत्व के, अदृष्ट ये वही दर्शन युक्तम। वैसे लोक व्यवहार में क्या होता है, न देखा हुआ भी देखना उचित माना जाता है, न देखा हुआ को ही देखना ये तो है, उसने तो हमारी देखने की प्रवृत्ति होगी, देखे हुए देखने के लिए प्रवृत्ति इतनी नहीं होती है, न देखे हुए को देखने की प्रवृत्ति होती है, ये सामान्य रूप से देखा जाता है। ये सामान्य आप कहोगे इसलिए पश्यन्ति ने जो नहीं देखा था उसे देखने गई, फिर तो उसे स्व प्रकाशित भंग हो जाएगा। क्योंकि देखो किसको देखने जा रही है, खुद को ना, और खुद क्या है? स्वप्रकाश। और हम लोग में यहां क्या होता है, हम देखने हम भले स्वप्रकाश है हाँ, लेकिन हम जिसको देख रहे हैं हम अपने आप को नहीं देख रहे, हम घट को देख रहे हैं। अब प्रकाशित वस्तु को प्रकाशन करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, यहां तो बन जाएगी, लेकिन खुद को प्रकाशन करने की बात तो बनेगी नहीं। और तीसरा नंबर टिप्पण, अतः दृष्टता ये पश्यंती उपरोधा, और मजबूरी में आपको कहना पड़ेगा दृष्ट को ही पश्यंती पुनः प्रकाशन कर देगी इत्याशंका दृष्टि इत्यादि, फिर तो पिष्ट पेशन न्याय पुनरुक्ति वाला न्याय दोष पुनर्पुण्य दोष आदि आ जाएंगे और अनवस्था होगी। जब पहले से प्रकाशित का
प्रकाशन में संशय हुआ, फिर दोबारा प्रकाशन करना पड़ रहा है, दोबारा प्रकाशन भी कर लेगी पश्चिम तो भी इसमें शंका बनी रह जाएगी। पहली बार जो उसको स्पष्ट नहीं कर पाए, दूसरे बार क्या स्पष्ट करें? ये एक बार में जो नहीं हो पाए तो बाद में क्या होने वाला है? इसलिए वेदांत में जो एक बार अनुभूति, अब दोबारा अनुभूति की जरूरत नहीं पड़ती है, दोबारा उसकी मजबूती की जरूरत पड़ती है। अनुभूति क्या जरूरत है? अनुभव हो गया एक बार कहानी करते हैं। अब उसी की अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए भले अभ्यास करो। इसलिए यार चौथा नंबर टिप्पणी भी देखिए आगे युक्ता के ऊपर, अनवस्था जी तथा सियात कहने मतलब अनवस्था दोष आ जाएगी। ये सब प्रकाश रहते भी उसको ठीक से प्रकाशित नहीं किया तो फिर दूसरे को और सब प्रकाश को मानना पड़ेगा, वो इसको प्रकाशन करेगा, फिर दूसरा भी पूरा करेगा, क्या भरोसे पहले वाले ने नहीं की तो तीसरे को और माननी पड़ेगी, तो अनवस्था दोष हो जाएगा एड इन्फिनिटम। न च पश्यंत्या आगे वापस ठीक है, न च पश्यंत्या आत्मा प्रतिक्षण अन्यो ये न प्रतिक्षण दर्शन क्रिया उपयोगी न वर्तमान तस्यात। या बौद्धों के जैसे भी नहीं बोल सकते ना, क्षणिक विज्ञान है उनके मत में, क्या है उनकी आत्मा विज्ञान, आत्मा जो है एक क्षण एक था, दूसरे में दूसरी हो जाती है, तीसरे में तीसरा हो जाता है, वो अलग अलग होते जा रहा है, इसलिए इसको उसके प्रकाशन, उसको उसके द्वारा प्रकाशन, उसके उसके द्वारा प्रकाशन की अपेक्षा होती है। वैसे आपकी पश्चिम तो ऐसा नहीं है ना कि प्रतिक्षण बदलने वाली, यदि प्रश्न बदलने वाली है तो विकारी हो जाएगी, अनित्या हो जाएगी चौपट, फिर तब भी बिगड़ेगा मामला, विनाशी हो जाएगा वो। इसे कहते हैं कि न च पश्यंत्या आत्मा, पश्यंती का जो आत्मरूपता है वह प्रतिक्षणम अन्यो, प्रतिक्षण अलग 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 बौद्धों के जैसे होता हुआ आप नहीं मान सकते। क्यों? ये न प्रतिक्षणम एव दर्शन क्रिया उपयोगी न वर्तमान दर्शन, जिसके आधार पर आप जो है, ये है च का शायद है ना, च जो कहा था उसकी व्याख्या है, यह आ गया देखो पांच नंबर टिप्पण, च सबसे सूचितम अनुक्त समुच्चयार्थत्वम च आह तच्चेदुक्तम इति। क्योंकि पहले आपने कहा वर्तमान समारूढ़ा श्लोक में कहा था, वर्तमान क्रिया में समारूढ़ होकर के अनुभव करते हैं आप, जितम वर्तमान भागम अपि विकल्पयति न च इत्यादि ने उसका भी खंडन कर रहे हैं, क्योंकि आप पश्यंती शब्द का रूप ही ऐसे सिद्ध किया है जिसमें वर्तमान काल का भी क्षत्रि प्रत्यय के कारण से छिपा पड़ा हुआ, वर्तमान कालारूढ़ दर्शन क्रिया से विशिष्ट हुआ करती है पश्यंती। इसका मतलब क्या? भूतकाल में कोई और था, भविष्यकाल में कोई और रहा, भूतकाल का स्मरण करके भविष्यकाल का अनुभव कराएगी, प्रश्न भिन्न मानना पड़ जाएगा, नित्य है तो फिर आप ये क्यों करें वर्तमान काल समारूढ़ा, जो नित्य है वो एक काल में समारूढ़ होगी इसे कैसे कह सकते हैं? जो नित्य है वो तीनों कालों में है समान रूप में, आप वर्तमान काल समारूढ़ा कह करके लगता तो है जैसे बौद्धों के सन आप इसको भी क्षणिक कह रहे हैं, जो कि आपके मतानुसार ये उचित नहीं है। ना भी तस्य आत्मनो दिक्कालावच्छेद, छह नंबर टिप्पण वाक्य व्याख्या, वाशम समुचितम आह, इतना ही नहीं आप इसको दिक्काल आदि से जो है अवच्छिन्न भी नहीं कह सकते। पश्यंती को दिक्काल, पहले कहा था ना दिक्काल भेद से इसको भेद वाला मानो, वो भी नहीं हो सकता कि दिक्काल का भेद एक व्यापक वस्तु में घटाया नहीं जा सकता। जब तक उपाधि नहीं मानेंगे आप तब तक देशावचिन कालावचिन वस्तु से अवचिन नहीं कर सकते। व्यापक वस्तु को परिच्छिन करना है देश काल वस्तु से तो आपको उपाधि मानना ही पड़ेगा, उपाधि के द्वारा ही, जैसे घट भी उपाधि के द्वारा आकाश को परिच्छिन कर घटाकाश बोलते हैं, मठाकाश बोलते हैं, पटाकाश बोलते हैं, लेकिन घटपट मठ उपाधि ना मानो तो आकाश उपाधि को परिच्छिन कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब तक आप किसी के माध्यम से उपाधियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो पश्यंती को भी आप दिक्काल आदि से परिच्छिन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर तो पुरुष लोके दुष्टता दर्शन क्रिया योग्यता साच स्वयं अचैतन्य भी संभव थी, सात नंबर टिप्पण में, इसके लिए अवतरणिका मूल में नहीं तो टिप्पण कारण दिया अवतरणिका, क्योंकि पुरुष लोगों में आपने कहा दृष्टता मैंने दर्शन क्रिया योग्यता साच स्वयं अचैतन्य भी संभव थी, वह जो है अचैतन्य में भी दर्शन क्रिया की योग्यता है, चैतन्य मानने की कोई जरूरत नहीं,
योग्यता है तो है, योग्यता तो किसी में माने जड़ हो चाहे चेतन, सभी में दर्शन क्रिया की योग्यता हो सकती है। यह पुनः चैतन्यमेव उपोध बलनार्थम शंक्यमानत्वेन दर्शयति पश्यन्तु साहित्यादि। लेकिन आप ये दिखाना चाहते नहीं, जड़ में कभी भी दर्शन क्रिया की योग्यता नहीं, यह व्याकरण कहना चाहते। उसी को दिखाने के लिए पश्यन्तम साहित्य श्लोक आरंभ हो रहा है। तदेतदा प्रकाश रूपत्वात् पश्यन्ति आत्मगत्वात् चैति, क्योंकि प्रकाश रूपक है और पश्यन्ति आत्मक भी है। प्रकाश रूपत्व होता हुआ दर्शन क्रिया वर्तमान में समारूढ़ भी है वो, अतएव चैतन्य का ही धर्म है दर्शन क्रिया, अन्य किसी का नहीं। ऐसा मन में रखते हुए ये श्लोक आरंभ हुआ और इसी में खंडन भी हो जाएगा। पश्यन्तं साक्यम आत्मानं पश्यन्ति जडमेव वा जडे जडत्वं एवास्या पश्यतो ह्यनवस्तथा। कहते कि देखो सा वह पश्यन्ति किम आत्मानं जडमेव वा पश्यन्ति, आत्मानं पश्यन्तं जडमेव वा पश्यन्ति सा। वह जो है सा पहले ले लो एक नंबर, सा आत्मानं पश्यन्तं वह पश्यन्ति अपने आप को देखते हुए किम किम पश्यन्ति जडमेव वा, क्या अपनी चेतन रूपता को देख रही है या अपनी जड़ रूपता को देख रही है। यदि अपनी जड़ रूपता को देखेगी तो अपने खुद के लिए जड़ रूप है और अपनी जड़ रूपता को देख रही है का मतलब क्या, स्वयं जड़ है, फिर तो आपने पश्यंत को जड़ कह दिया। अतएव अस्या पश्यतो, नहीं नहीं नहीं, वो देखते हुए देखने वाले क्रिया करने मात्र से वो जड़ नहीं है, अपनी जड़ रूपता को नहीं देखती है, देखने रूपी क्रिया की तरफ अपनी चेतन रूपता को ये देख रही है, फिर तो अनवस्था है। अपनी चेतन रूपता को देखने की जरूरत क्या, नित्य प्रकाश होने के नाते दर्शन क्रिया की जरूरत नहीं, नित्य प्रकाश का प्रकाशन के लिए दर्शनात्मक क्रिया की जरूरत क्या। यदि उसकी भी प्रकाशन की जरूरत पड़ जाए फिर नित्य प्रकाश ही नहीं, सब प्रकाश ही नहीं। यदि कोई चीज नित्य प्रकाश है या सब प्रकाश आपने माना कोई भी चीज को, फिर भी उसको प्रकाशन दूसरे से करना पड़ जावे फिर उसको प्रकाश ही नहीं कहा जाएगा। क्योंकि संसार में देखा गया जिस किसी को प्रकाशन के लिए हमें दूसरे प्रकाश की या दूसरे प्रकाशक की जरूरत पड़ जाता है वो हमारे लिए क्या है, वो जड़ बन गया। जैसे घड़ा, घड़े को प्रकाशन में आग की जरूरत पड़ती है, अंगों की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब घट क्या, इसलिए जड़ है। इसे स्वयं प्रकाश आप जिसे कह रहे हो, नित्य कह रहे हो, नित्य प्रकाश उपयोग कर रहे हो, जिस स्वयं पश्यन्ति को, वह स्वयं को दर्शन के द्वारा प्रकाशन करने लगेगी, इसका मतलब वो वास्तव में नित्य प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश ने कहना पड़ेगा अथवा अनवस्था जाए। नहीं, पश्यन्ति ने अपनी नित्य प्रकाशन को प्रकाशन करने के लिए प्रयास कर रही है कि नहीं, जैसे ये कर रही है ये कर नहीं सकेगी। यदि नित्य है ही फिर भी प्रकाशन करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या, इस पश्यन्ति वास्तविक सामर्थ्य नहीं है, एक और पश्यन्ति की कल्पना करनी पड़ेगी। तो उसमें भी सामर्थ्य का क्या गारंटी है, एक और की कल्पना करनी पड़ेगी, तो अनवस्था दोष होगा। अनवस्थता अनवस्थता, इसलिए अनवस्था दोष आ जाएगी। यस्मात यदि ऐसा कहोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगी। उसको और विस्तार कर रहे, बार बार दोष दे रहे हैं, जिस किसी विकल्प करो तो भी दोष से बच नहीं सकते। ठीक है, साचा वहा पश्यन्ति आत्मानम माने प्रकाश रूपता, अपनी प्रकाश रूपता को पश्यन्ति आत्मगत्वाच्च, और कैसे वो पश्यन्ति रूपा भी है, पश्यन्ति मतलब दर्शन क्रिया वर्तमान आरूढ़ा भी है वो। किम क्या पश्यन्तम पश्यति उत प्रकाश रूप जडम पश्यति, प्रकाश रूपा पश्यन्ति कोई देख रही है या अप्रकाश रूप जड़ को देखती है। पहला जड़ पक्ष लेंगे, जड़े तस्मिन सापी जड़ास्या, यदि अपनी जड़ रूपता को देख रही कह रहे हो इसका तो खुद का उसका स्वरूप क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, प्रकाश रूप नहीं रह जाएगा। अतः आत्मा भी अस्या प्रकाशात्मत्व, नहीं भाई उसकी जो आत्मा है जो स्वरूप है वो प्रकाश रूप है, अतः प्रकाश रूप को ही वो देख रही, अपनी प्रकाश रूप को ही वो प्रकाशन कर रही है,
यदि ऐसे कहोगे न च भिन्नम पशति अपितु आत्मानम एव, ये निश्चित आपको कहना पड़ेगा अपने से भिन्न कोई दूसरे प्रकाशक नहीं मानेंगे, खुद की प्रकाशकता को प्रकाशन कर रही कहना पड़ेगा। तथा तस्याप पूर्व विकल्प योगा अनवस्था, वे तो पूर्व विकल्प फिर खड़ा हो जाएगा, प्रकाश को प्रकाशित करने की जरूरत पड़ता है फिर तो अनवस्था जरूर हो जाएगा। अवस्थानस्य दर्शन विश्रांतर भावा, अनवस्था का मतलब क्या? तो दर्शन की विश्रांति होनी चाहिए, निश्चय हो जाए। विश्रांति का मतलब क्या? विश्राम करना माने दर्शन का समाप्ति, वो नहीं हुआ, इसी का नाम अनवस्था है। दर्शन विश्रांतर भावा, यहाँ एक दो टिप्पणी देखिए। दृष्टे दर्शन विधि न्याय, पूर्व न्याय क्या है? दृष्ट को ही पुनर् पुनर् देखने में अनवस्था दोष माननी पड़ जाए, इसके तो पहले एक बार में सम्यक अनुभव नहीं हुआ। जैसे हम लोग भी कहते एक बार पढ़ने के बाद यदि आपको वेदांत अपने चित्त में दृढ़ नहीं हुआ, बार बार मैं कहता हूँ, इसीलिए हम आलंबन के साथ ध्यान करते हैं, विचार कर रहे हैं, तो समझिए अभी हमारा विचार जो हमने श्रवण किया वो श्रवण ही नहीं हुआ ठीक से। ये श्रवण ठीक से हुआ है और चित्त में ठीक बैठा हुआ है, बिना आलम्बन का बैठ करके आप उसको जुगाली कर सकते हैं। इसलिए हम आलम्बन अधीन जुगाली कर रहे हैं, मैंने पुस्तक लेके बैठेंगे तभी हमारा चिंतन चलेगा। तो इसका मतलब है हमने अभी चित्त में वेदांत को बिठाया ही नहीं, बैठा नहीं, कच्चा नाम है। फिर सुनना पड़ेगा। जब तक चित्त में ऐसी स्थिति मैंने ऐसी इस ढंग से वेदांत बैठ जाए, बिना किसी प्रकार के आलम्बन का आप बैठे हैं, वेदांत चिंतन चल रहा है। हाँ, घूमते फिरते वही चिंतन चल रहा है, लेटे भी चिंतन चल रहा है, कोई नहीं कि वो पद्मासन लगा के बैठे है, नहीं लेटे हो जाए, एक चित्त में बैठा वही है, दूसरा है ही नहीं। जैसे बार बार यह दृष्टांत दिया है, विवाह हुआ, वह प्रिय जो बाहर चला गया, नौकरी में गया, कहीं गया, लेकिन उस औरत का चित्त कहाँ रहेगा? घूमते फिरते खाते पीते कुछ भी करते हुए अपनी उस पति प्रेमी के ही चिंतन में रहेगी, दूसरे के चिंतन में चित्त में वही रहेगा 24 घंटा, सकल व्यवहार हो रहा है लेकिन ध्यान उसी का रहता है। ठीक है, यदि आपके चित्त में जैसे पति का चित्त में पत्नी बैठ जाए, पत्नी का चित्त में पति बैठ जाते हैं, फिर आपके चित्त में यदि आपका असली पति वेदांत बैठ जाए तो आपके 24 घंटा वही तो रहेगा, दूसरा कहां से आ जाएगा आपके चित्त में? क्या लेटे पैटे घूमते फिरते उसके अलावा दूसरा चिंतन होगा ही? सकल व्यवहार काल में हुई रहे। इसलिए इनका कहना है कि यदि आप उसको ठीक बिठाए हैं, वह प्रकाश रूप है, फिर दूसरे प्रकाश प्रकाशांतरों की अपेक्षा कभी नहीं हो सकते, तो अनवस्था दोष होगा। किंचित पश्यति सा सूक्ष्म तदस्मत् दर्शन अन्वय कर्मत्वे पारतंत्र्यं स्यात् तस्य एव निजात्मनि। अगेन अब करे तो हमारे बराबर हो जाओगे। क्या करें? किंचित पश्यति वा सूक्ष्मम, वह अपने को प्रकाश से नहीं देखती, अपने से भिन्न किसी सूक्ष्म को देखती है। मन तुम वेदांत में आ गए, तुम तो सेवा तो घुस गए, फिर खुद के प्रकाश को नहीं देख रही ना, अपने से भिन्न सूक्ष्म जगत को देखती है, सूक्ष्म किसी वस्तु को देख रही है। हम भी देखते शिव जो तत्व आत्म तत्व है, वह सारा दृश्य तो प्रकाशन करता है। यदि तुम्हारा पश्यंती भी कि सूक्ष्म दृश्य जगत को प्रकाशन कर रहा है, फिर तो शैवाद्वैत वेदांत और तुम्हारा व्याकरण मंत्र क्या है? फिर तो भिन्न को माना, उसको जड़ मानना पड़ेगा, इसको चेतन मानना पड़ेगा, हमारे मत में जैसे वैसे आना पड़ेगा। वही करे किंचित पश्यति, किंचित सूक्ष्म वा पश्य, कोई न कोई सूक्ष्म तत्व को स्व से भिन्न को अनुभव कर रही है। जैसे कहते हो तद अस्मत दर्शनान्वय, फिर तो हमारे दर्शन को आपने स्वीकार कर लिया कि शिव ही यह सारा सूक्ष्म जगत रूपेण स्व भिन्नत्वेन भाषित होने लगता है अपनी माया से,
प्रकृति से बना लिया, माया से मोह जाल बना ली और अविद्या के जीव भाव में स्थित होकर सारा अनुभव कर दिया कि हमारा सेवाद्वैत वेदांत को तुमने स्वीकार कर लिया। और यदि नहीं मान रहे थे डर के, अरे हमने ये थोड़ी कहा तुरंत बदलेगा ना वो, जहां कहेगा आप बराबर हो गए, नहीं हम आपकी कैसे, हम आपकी सिद्धांत स्वीकार नहीं करते, हम थोड़ा अलग है। फिर भी तो क्या अलग है? कर्मत्वे पारतंत्र। फिर कहेंगे ये कर्म बन क्या है, फिर तो परतंत्रता माननी पड़ेगी। तस्य एव निजात्मनि कर्मत्वे, अनुभव ऐसे करना कर्मत्वे तस्य एव निजात्मनि पारतंत्र। यदि खुद के आत्मरूप में परतंत्र हम मान रहे हैं ये सूक्ष्मत्व को, भिन्नत्व सूक्ष्म नहीं है वहां, मैं आदि से स्वयं में सूक्ष्म भेद को मान लेंगे हम, स्वयं में सूक्ष्म भेद मान लिया आपने, फिर तो आप भेदभाव कहाँ रह गया शब्द ब्रह्मात्मित। स्वयं में भी भेद स्वीकार कर लोगे तो स्वयं के भेद के प्रति, स्वयं के द्वारा स्वयं का प्रकाशन में परतंत्रता आ जाएगी, भेद मानोगे तो। इसे कर्मत्व यदि आप कोई नहीं कर्म रूपेण पृथक रूपेण अनुभव जो हो रहा है वह तस्य एव निजात्मनि, खुद के निज रूप में ही किया जा रहा है, फिर तो पारतंत्र से आज फिर तो परतंत्रता आ जाएगी, ऐसा अनुभव करना है। देखिए टीका में अनुभव करके बताएंगे। और यदि वह भवद्भिर नान्य नील पीतादि स्थूल विभक्त स्वरूपम दृश्यम पश्यति, यदि आप कहते हो नील पीतादि बाह्य को स्थूल प्रपंच पश्यन्ति से अलग करके भाषित नहीं होता, कोई बात नहीं, अपितु दृश्य भुवम अनापन्नम दृष्टारम एव किंचित अविकल्प्यम सूक्ष्म अपृथक रूपम पश्य, किंतु यह दृश्य संसार को प्राप्त न हुआ, अभी दृश्य संसार को प्राप्त नहीं हुआ है, स्थूल नहीं हुआ, किंतु दृष्टा क्या हो रखा है, अभी मन में सोचा ही है सूक्ष्म रूपेण भेद आ गया है। दृष्टारम एव इस दृष्टा को ही किंचित अविकल्प्यम थोड़ा सा विकल्प रहित अवस्था है, ये स्थूल विकल्प रहित अवस्था सूक्ष्म, सूक्ष्म होने के नाते अब बिल्कुल पृथक भी नहीं है, ऐसे रूपम पश्यति, पश्यन्ति ने ऐसे सूक्ष्म रूप को देख रही है मान लो, न च पश्यति दृश्यार्थमय दृष्ट रूपैव सति प्रकाशते पश्यन्ति कथ्यते। हमने कभी ऐसे नहीं कहा कि पश्यति, पश्यन्ति जो है अपनी दृश्यार्थमय दृश्य विषयमय होकर के दृष्ट रूप से दृष्टारूप में रहते हुए भी वह पश्यन्ति अपने आप को इस रूप से जड़ रूप से प्रकाशित कर लेती है, ऐसे हमने कभी न कथित कहा ही। तब कहते सिद्धांति तत् असमय दर्शनानुगमस्य, फिर तो आपने हमारे दर्शन को ही स्वीकार किया, यही तो हम भी कहते हैं एक परम शिव ही था, एक अद्वितीय परम शिव था, उसी परम शिव में एक ओम बहुश्याम प्रजा ये जीवों के कर्म के उसे प्रस्फुटित हुआ, स्पंद हुआ, और स्पंद के कारण से शिव शक्ति दो भाग में भाषित होने लगा अपने अंदर, परम शिव में ही शिव शक्ति दो भाग रूप में भाषित होने लगा, और वह ज्ञान क्रिया शक्ति रूप में भाषित शिव शक्ति एक कभी ज्ञान क्रिया प्रधान हो गया तो सदा शिव बन गया, और क्रिया प्रधान शक्ति क्रिया शक्ति प्रधान हो गया, शक्ति क्रिया प्रधान हो गया तो वो ईश्वर बन गया, फिर इन दोनों की सामंजस्य शुद्ध विद्या बन गया। ये सूक्ष्म सारा संसार अब भी परम शिव शिव में अद्वितीय भाव से इसे शुद्ध ही कहते हैं, इसको शुद्धांड कहा जाता है, उसी बाद शुद्ध अशुद्धांड चलेगा फिर अशुद्धांड होगा। एक तरह से आप ही सूक्ष्म दशा का जो वर्णन कर रहे हो, हम शिव योग का अंतर्गत विद्यमान हमारे शुद्धांड प्रक्रिया है उसी को आप कह दिए, फिर तो हमारे तुम्हारे मत अंतर कहाँ रह गया, आओ वैयाकरण शिव योग को मान लिए, शैव दर्शन को स्वीकार करिया, पश्यन्ति अर्थ क्रिया कर्त कर्म काल विभाग आत्मा त्यक्त भवे, क्योंकि आपने इस पश्यन्ति का अर्थ समूह में क्रिया कर्ता कर्म काल सारे विभागों से रहित स्वीकार कर, इधर शिवाग रहित का नाम ही हमारे यहां शिवावस्था शैवी सूक्ष्म अवस्था, और ये वास्तविक तो कर्मत्व, यदि वास्तविक कर्मत्व मान लोगे तो कर्मत्व अभिपगम्य माने तदीय सूक्ष्म दृष्ट रूप आत्मा अधिकरण सती, तब क्या होगा, अपनी सूक्ष्म वह भेद कर्म को
दर्शन करने वाला एक अधिकरण मानना पड़ जाएगा, खुद में दो भाग मानना पड़ेगा। पश्यंती का एक भाग दृष्टि भाव है और एक उसके अंदर कर्म दृश्य भाग माननी पड़ेगी। एक में वद्वितीय पश्यंती में आपके अनुसार वास्तविक दो भेद मानना पड़ेगा, वास्तविक काल्पनिक भेद होता तो कोई आपत्ति नहीं, फिर विषय वाद्वैत में आ जाओगे काल्पनिक भेद मानोगे तो, यानी वास्तविक भेद आप मान रहे। इसलिए आरंभ किया ने वास्तवेतु टीका नहीं, यदि वास्तविक कर्मत्व मान के स्वीकार करोगे तब तो एक ही दृष्टि दृष्टि भाव अधिकरण मानना, तस्मिन् एव एकात्म दृष्टित्वात् स्वतंत्रे दृश्यतया च, और एकात्मा में दृष्टि भाव है उसमें स्वतंत्र रूपेण दृश्यतया पारतंत्र विरुद्धम भवति, परतंत्रता रूप स्वीकार कर लिया या एक ही में कर्तृ कर्म दोनों ही मानना परस्पर विरुद्ध बात आती है, वास्तविक दोनों ही हो सकते।